चलें मैं पी फॉर पैन करता हूँ, क्लिक को ड्रैग करके इसको इस तरफ ले आता हूँ। अब हम देखते हैं आर इसी रेक्टेंगल में ली, क्लिक और ड्रैग, मैंने कहा 20 फिट कॉमा 20 फिट, एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चैम्फर्ड कमांड और फिलेट कमांड अप्लाई करना चाहिए। चैम्फर्ड कमांड क्या करती है, वो कॉर्नर कॉर्नर जो है हमें कॉर्नर शेप में या कह लो कि एंगल की शेप में स्ट्रेट रखती है, स्ट्रेट नहीं रखती काम इस तरह, हाँ जी यूं कलाती है एंगल में, फिलेट राउंड करती है। हाँ जी चैम्फर्ड के क्या स्पेल होता है, CHAMFER चैम्फर्ड 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 के चैम्फर 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 CHAMFER ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें जी ये चैम्फर CHAMFER चैम्फर चैम्फर क्या कर रही है, वो कॉर्नर को एंगल में दो डिस्टेंस को आपस में मिलाती है स्ट्रेट लाइन। और जो फिलेट कमांड है, ये फिलेट दिया हुआ है, फिलेट कमांड जो है वो राउंड करती कॉर्नर को राउंड करती है। ये देखिए ये मेरे पास है, ये रेक्टेंगल मैंने लगाई, इसके कॉर्नर को मैं चैम्फर्ड करना है, चैम्फर्ड की शक्ल में करेगा फिलेट करना है, तो फिलेट क्या करेगा यहाँ से राउंड करेगा, ठीक है, क्या करेगा राउंड करेगा, राउंड में शो करेगा, राउंड में शो करेगा, यानी कि यहाँ से मैंने ऐसे राउंड करना है, कॉर्नर को राउंड करेगा, ठीक है। जो आप बताएंगे डिस्टेंस, जो आप रेडियस बताएंगे उसके मुताबिक, चैम्फर में डिस्टेंस बताया जाता है फासला, और फिलेट में रेडियस बताया जाता है, फिलेट में रेडियस बताया जाता है। अब यहाँ पे मैं चैम्फर में दो डिस्टेंस बताए जाते हैं, दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पर मैं CHA एंटर करूंगा, CHA शॉर्ट कमांड है चैम्फर्ड। अब नीचे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा है, सब कमांड दे रहा है, जैसे अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, ठीक है, मेथड आ गया, उसके बाद मल्टीपल आ गया। हम यूज करेंगे इसमें डिस्टेंस, डी एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस प्लस डी एंटर करना, हाँ जी डी एंटर करना, बाद में CHA लिखने के बाद एंटर, फिर डी, फिर एंटर, फिर डी और एंटर, फिर उसके बाद आप डिस्टेंस बताएंगे। मैंने कहा जी अब 20x20 का स्केयर बनाया था मैंने, मैंने कहा 5 फुट पहली लाइन का डिस्टेंस हो, दूसरी लाइन का भी डिस्टेंस 5 फुट हो, और पहली लाइन मैंने कहा ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन, ये चैम्फर्ड अप्लाई हो गया। अब आपने रूम जो है बना रहे हैं, तो अब आप ऑफसेट लेंगे 9 इंच का, और इसका 9 इंच का आपने ऑफसेट लेके आपने दीवार बना, और ये चैम्फर्ड जो है आपको कॉर्नर डोर लगाने में मदद करेगा, कॉर्नर गेट लगाते हैं आप दरवाजे नुक्कर चलाते, जो नुक्कर आते दरवाजे प्लाट जरा नुक्कर से मौजूद होंगे साढ़ा, दो गलियां लग रही होंगे ने, अभी फिर नुक्कर यूज करने हैं मेन गेट लगाने वास्ते, ठीक हो गया। या बाद आपके पास जगह ऐसी होती है कि वो कॉर्नर होता है, तो उसके लिए फिर आपको चैम्फर्ड अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, ये आपके पास है। अब मैं DI करता हूँ डिस्ट कमांड, यहाँ पे मैं क्लिक और ड्रैग करता हूँ, कितना ये चैम्फर्ड अप्लाई हुआ है, 8 फुट के करीब अप्लाई हुआ है, ठीक है, 8 फीट है डिस्टेंस, यहाँ पाँच उधर पाँच उधर से लिया उसने तकरीबन 8 फिट ये डिस्टेंस बनता है, और 5 फुट का दरवाजा आसानी में लग गया, ठीक है। अगर 10x10 करेंगे तो फिर 10 फुट का 16 डिस्टेंस हमें मिलेगा, 16 लाइन
तो हम उसमें 10 मीटर दरवाजा गेट लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं गेट लगा के दिखाऊंगा आपको। ले जी गेट लगाते हैं। चैम्फर्ड कमांड हमने अप्लाई की है, पहले फिलेट अप्लाई कर लें फिर इसमें हम गेट लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिलेट करना चाहता हूँ, राउंड करना चाहता हूँ, या मैं REC रेक्टेंगल ले लेता हूँ। क्लिक की, मैंने कहा जी एट द रेट 10 फिट कॉमा 10 फिट। ठीक है। F एंटर फिलेट के लिए, और रेडियस आपने देना है R एंटर रेडियस। रेडियस कितना देना है? मैंने कहा रेडियस दे दिया मैंने 5 फिट। क्लिक किया और उसके बाद क्लिक किया तो ये और ये 5 फिट के दरमियान। हाँ जी ठीक है, 5 फिट के दरमियान दोनों लाइनों के दरमियान 5 फिट के हिसाब से वो उसको राउंड कर देगा रेडियस के मुताबिक। दोनों लाइनों के दरमियान डिस्टेंस 5 फिट होगा? नहीं 5 फिट तो नहीं, DI करके देख लेते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से 8 होगा। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। एक्सप्लोर, इसको मैंने तोड़ दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अलग अलग हो गया। अब मैं DI यानी कि रेडियस दिया ना हमने, रेडियस 5 फिट का दिया है तो दोनों लाइनों के दरमियान वो ऑटोमेटिकली इसको अप्लाई कर देगा, ये आपके पास होगा कितना डिस्टेंस 8 फिट बनता है। वही ना, उसका भी वही बनेगा। हाँ ये बात है, डिजाइन ही चेंज होगा। ठीक है, यानी कि वो दोनों लाइनों के दरमियान 5-5 रेडियस को यूज करते हुए उसने डिस्टेंस ले लिया। उसने एक्चुअली 5 फिट रेडियस का सर्कल ले लिया, सर्कल कोने में जाके कोने में अटैच कर दिया बस। आर्क ले ली उसने, आर्क पे। ठीक है, एफ एंटर, आर एंटर, और मैंने कहा 10 फिट। यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक किया, ये 10 फिट का अप्लाई कर दिया, क्योंकि पमैश लाइन की 10 फिट थी, 11 फिट अप्लाई करेंगे नहीं होएगा, बिल्कुल। कंट्रोल दैट, डी एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस, मैंने कहा जी 11 फिट। ठीक है, आ रहा है इनवैलिड रेडियस, 10 फीट है, 10 फीट के अंदर अंदर अप्लाई करेगा ये। ठीक है, सही हो गया। ध्यान से रखना पॉइंट, अक्सर इंटरव्यू दौरान चीजें पूछ लेते हैं कोई बैठा हो। ठीक है जी, अब मैं CHA एंटर चैम्फर, एफ एंटर, फिर उसके बाद एंटर का बटन बना होगा, फिर उसके बाद आप लिखना है आर एंटर। ठीक है, उसके बाद आपने रेडियस की वैल्यू देनी है। ठीक है, अब मैं चैम्फर लिखा, डी फॉर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस मैंने दे दिया 10 फिट, दूसरा डिस्टेंस भी दे दिया मैंने 10 फिट, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, 10 फिट तक हो गया। 11 अप्लाई करांगा? नहीं करेगा। ठीक हो गया, 11 की संख्या लगा के से ये बताना चाहिए कि बाहर चली गई है लाइन, इनवैलिड खेलेगा ना वो। मैं यहाँ पे CHA एंटर, डी फॉर डिस्टेंस, मैंने कहा 11 फिट, एंटर 11 फिट, एंटर, क्लिक एंड क्लिक। ठीक है, रहा इनवैलिड डिस्टेंस। सर ये लाइन क्यों लग जाती है अक्सर जगहों पे देखते हैं? ये वो अक्सर हो जाता है ऐसे, वो जूम कम ज्यादा करो तो ठीक हो जाएगी, लग जाती है। हाँ, वो इम्पैक्ट बन जाता लाइन का। ठीक है, सही है। ले जी, अब मैं क्या कह रहा था आपको, मैंने कॉर्नर डोर लगाना बताना है। कॉर्नर डोर यहाँ पर मैंने किया जेड एंटर, क्लिक और ड्रैग किया मैं, एल फॉर लाइन ली मैंने, सेंटर से सेंटर तक मैंने लाइन लगा दी, ऑफसेट लिया मैंने कितना, डबल डोर लगाऊं या सिंगल डोर लगाऊं? डबल डोर लगाते हैं यार, 2-5 फुट का लगाना है डोर दरवाजा, 2 फुट 6 इंच का डिस्टेंस रखेंगे ना, 2 फुट 6 इंच। ठीक है, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे TR डबल एंड ट्रिम कर दिया, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन। ठीक है, 5 फुट का दरवाजा यहाँ पे लगाने लगा मैं। ठीक है, अब दरवाजा मैं तैयार करता हूँ, यहाँ पे एल फॉर लाइन ली मैंने, स्ट्रेट लाइन एक लगा लेता हूँ। ठीक है,
ऑफसेट लिया मैंने, सॉरी ऑफसेट कह रहा हूँ, आर ई सी रेक्टेंगल ही मैंने, ठीक है। कितना दरवाजा लगाना, 2 फुट 6 इंच थिकनेस 2 रखनी है, 2 कामा 2 फुट और 6 इंच, ठीक हो गया, लग गया ही दरवाजा। मैंने क्या किया, सी फॉर सर्कल, ये लाइन ना भी लगाता तो कोई जरूरत ही नहीं थी, सी फॉर सर्कल डबल डोर लगा रहा, ठीक है। मिरर, अब उसके बाद एम आई मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर किया, यहां से पकड़ के मैंने इधर एंटर, जी आर डबल एंटर, इस सर्कल को ट्रिम किया, इन ट्रिम किया। अब ये दरवाजा जो है इधर मैंने सेट करना है, ठीक है, ठीक हो गया। अब रोटेट कमांड नहीं काम आएगी, यहाँ पे कमांड आएगी उसका नाम है अलाइन, अलाइन एल अलाइन कमांड, शॉर्ट की है इसकी एल एल, ये क्लिक और ड्रैग पूरा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है, एंटर किया, उसके बाद यहां से मैंने ये पकड़ा इसका पॉइंट ये वाला, और उसको मैंने इसके सेंटर के साथ लगा दिया, ठीक है, यहां से ये पॉइंट पकड़ा मैंने इधर से और इसका ये सेंटर के साथ लगा दिया, और फिर एंटर करना आपने, और एंटर कर दिया आपने, तो दरवाजा आपका वहां पे ऑटोमेटिकली जाकर फिट हो जाएगा। और डी आई करके देख लें, डी आई करके देख लें बेटा, तो ये आपके पास 5 फुट का पूरा दरवाजा लगेगा, सही हो गया। डबल डोर हाइट तो हमें पता है कि हाइट हमने रखनी है ऊपर ही, कितनी 7 फुट ही रखनी है, तो डबल डोर भी आप इस तरह लगा सकते हैं अलाइन कमांड में से। इसका फ्रंट बनाएंगे, अब इसकी फ्रंट एलिवेशन तैयार करें, तो दरवाजा आपको साइड पे नजर आएगा, फ्रंट एलिवेशन, ठीक है जी।